अनु की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई बनाना सिखाएंगे, जिसका नाम है काला जामुन। इसे काला जाम भी बोलते हैं और ये हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए सब नहीं बना पाते हैं और मुश्किल आती है। तो आज सारी मुश्किलें हम हल करेंगे और बड़े इजी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे काला जामुन भी हम घर में बना सकते हैं और बिल्कुल हलवाई जैसा, उससे भी अच्छा। तो चलिए सीखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड, हमने लिया है 200 ग्राम हमारा मावा है, ये हमने घर पे ही बनाया था, और 50 ग्राम ये पनीर, मतलब वही छेना है, दूध फाड़ के हमने बनाया, 50 ग्राम ये है। मेरे पाउडर है 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच, और 3 चम्मच हमारा ये मैदा है, और ये 1/4 बेकिंग पाउडर है, और हमने थोड़ा दूध लिया है, ये अभी जब हम इसका डो बनाएंगे अच्छा से तो उसमें हमें चाहिए होगा। और हमें देसी घी चाहिए, तो हमने देसी घी कढ़ाई में रख दिया है फ्राई करने के लिए। और इसके लिए हमको चाशनी बनानी है फ्रेंड, तो चाशनी हमने पहले से ही बना के रखी है, तो इसके लिए हम बता देते हैं आपको कि इसमें हमने क्या किया था। तो इस कटोरी से फ्रेंड हमने करीब 1.5 कटोरी चीनी डाला था और 1.5 कटोरी हमने पानी डाला और एकदम धीमा कर दिया फ्लेम गैस का, और उसके बाद इसको धीरे धीरे मेल्ट किया हमने चीनी को, क्योंकि हमको तेज़ आंच में इसको मेल्ट नहीं करना फ्रेंड, अगर हम तेज़ आंच में करेंगे तो पानी इसका कम हो जाता है, और इतना चिपचिपा बनाना है इसको, बस चिपचिपा होना है इसको, किसी तार की चाशनी में नहीं बनाना हमको, देखिए चिपचिपा होना चाहिए, इतना ही बनाना है, ज़्यादा इसको हमको कोई तार की चाशनी में नहीं बनाया। इसमें हमने इलायची डाल दिया है, केसर के धागे डाले हैं और थोड़ा रोज एसेंस डाला है। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह बनाइए, इसको हमको कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस जब तक इसको पकाना जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट आ जाती, धीमी आंच पे इसको हमने चीनी को मेल्ट किया, बाकी ये सब सामान डाल दिया। अब ये तैयार है, अब हम चलते हैं बनाने अपना ये मावे वाला डो। तो इसको हम क्या करेंगे, आज सबसे इजी तरीका हम करने वाले हैं। फ्रेंड जब हम मावा ले आते हैं तो थोड़ा दानेदार होता है, या तो आप उसी दिन बना रहे हो तो थोड़ा गीला ही, अगर आपका आप खुद बना रहे हैं दूध से, तो जब वो सूखा ना रहे, बिल्कुल सूखने के स्टेज पे पहुँचे, उससे पहले इसको ऑफ कर दीजिए फ्लेम को, और गीला गीले में ही ये सारी चीज़ें मिलाइए तो ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जब हम इस तरह से बना हुआ रहता है हमारा और 1-2 दिन हमने फ्रिज में रख दिया तो क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये घर का है इसलिए सॉफ्ट है। तो अगर आप बाजार से लाते हैं तो इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, और या फिर इससे भी अच्छा तरीका है कि थोड़ी देर मिक्सी में हम इसको डालेंगे, करीब ऑन ऑफ करेंगे, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं करना है कि इसका ऑयल या घी इसका निकल आए, तो ये बहुत जल्दी से, ये बहुत ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी और ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम इसको इस तरह से करेंगे ऑन ऑफ करके मिक्सी में, और इसको निकालेंगे, उसके बाद हम पनीर भी इसी तरह इसमें करेंगे। तो इसको हम करते हैं अभी, ये बस थोड़ा सा चला के इसको इस तरह से ऊपर नीचे करना है, तो हमको इसको ज़्यादा नहीं करना फ्रेंड, नहीं तो इसमें से घी निकल आता है। तो लेकिन ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, हाथ से में कम से कम 5 मिनट, अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो 5 मिनट इसको हाथ से इस तरह से हथेली से रगड़िए, और 5 मिनट ही पनीर को रगड़ना पड़ेगा आपको, और इससे थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे फिर, तो एकदम देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, और हमको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको हम छू के देखेंगे तो देखिए एकदम सॉफ्ट, एकदम अच्छा सॉफ्ट सा बना हुआ है। तो बस इसको हम अभी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा ये पनीर थोड़ा कम है तो इसको हम थोड़ा इसी के साथ ही करेंगे, तो आसानी से ये बन जाएगा। तो घर का ही पनीर है ये, हाँ।
फिर उसी तरह से ऊपर नीचे करें, ये अच्छे से मिल जाए इसमें। तो इसका जो सॉफ्टनेस है देखिए फिर से वापस आ गई है। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत इजी तरीका है गुलाब जामुन या गुलाब या फिर इस तरह से काला जामुन बनाने का। लेकिन हलवाई वालों के पास तो बहुत सारा बनाना होता है, फिर तो हाथ ही से करते हैं, हम लोग को थोड़ा बनाना रहता है। तो चलो ठीक है, तो ये एकदम अच्छे से बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड करीब दो मिनट हमने हाथ से भी कर दिया फ्रेंड, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा जो हमने मैदे का बनाया 3 चम्मच मेरा, इसको भी डालेंगे। तो हम मिल्क पाउडर जरूर डालते हैं फ्रेंड, अगर आपको नहीं मन है तो आप मत डालिए अगर है नहीं आपके पास, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 3 चम्मच है, इसको हम जोड़ डालेंगे। और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है इससे, मैदे से बाइंडिंग होती है फ्रेंड। तो ये जो हमने बेकिंग पाउडर लिया है 1/4, ये भी डाल देते हैं इसमें, जिससे हमारा स्पंजी बने गुलाब जामुन मतलब काला जामुन। और अच्छे से इसको मिलाना है। दूध डालेंगे फ्रेंड, जिससे बहुत ही अच्छा ये डो बन के तैयार हो, बिल्कुल सूखा सूखा ना लगे। और हमने सब कुछ मिला लिया है इसमें, चीनी भी हम डालेंगे इसमें, हमारा डो जो है थोड़ा मीठा लगे। तो 1/2 टीस्पून डाल दे रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको मिला देते हैं, अभी दूध हमें और चाहिए, तो अभी 1 चम्मच हमने डाला था, 1 चम्मच और डाल देंगे। फिर अच्छे से थोड़ा एकदम सॉफ्ट हो, चूँकि हमको इसमें भरना भी है, तो ये काला जामुन में हमेशा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे होते हैं फ्रेंड, तो हमें इसको इतना सॉफ्ट करना है कि ये एकदम आज हम इसकी गोली बनाएं और क्रैक भी ना हो और इसके अंदर हम कुछ भर पाएँ जो भी तो फटे ना। तो अभी इसको मिला लेते हैं, 2 चम्मच हो गया हमारा, ये हमने जो वो डाला मिल्क। तो फ्रेंड हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है बादाम, और इसमें थोड़ी सी चीनी हमने डाल दिया है और इलायची के दाने डाल दिए हैं। और इसमें हम थोड़ा सा इसी में से ही थोड़ा सा निकाल लेंगे मावा, और करीब 2 गोली करीब 2 चम्मच, और उससे हम बनाएंगे इसका अंदर के फिलिंग, और बाकी जो है इसको हम इसकी गोली बना लेंगे फ्रेंड। तो पहले इसको हम बना लेते हैं, तो हमें बहुत बड़ी इसकी गोलियां नहीं बनानी है फ्रेंड। तो इसको अच्छे से मिला ले पहले, तो बीच में अच्छा लगता है ना थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, और उसका कलर भी थोड़ा चेंज रहता है फ्रेंड। तो थोड़ा सा कलर डालेंगे इसमें ऑरेंज कलर, चुटकी भर, और थोड़ा सा इसमें हम 1-2 बूंद दूध डालेंगे, और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको मिला लें, थोड़ा सा देखा डाला और कितना अच्छा कलर आ रहा है, इस तरह अच्छे से मिला लें इसको। तो जितनी गोलियां हमारी इसकी बनेगी उतनी ही गोलियां हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी। बना लेते हैं फ्रेंड, तो बराबर गोली बन जाए हमारी। तो कोई इस तरह से कुछ ले लें जैसे एक ही जैसी गोली बने, तो 2 गोली का 1 गोली बनाएंगे फ्रेंड, थोड़ा बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी इस तरह से। तो ज़्यादा अभी एक बना के देखेंगे,
कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है। पहले देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा और फूलेगा तो थोड़ा हम कम करेंगे तो अंदाज हो जाएगा मुझे, एक ही जैसा लगे सारे। बस हम बराबर पोर्शन में काट लेते हैं इसको पहले, फिर दिखाते हैं। बराबर से बना लिए तो जो हमने इसको भरना है हमको, ये भी एक जैसी बना दिए तो 11 11 बन गए हैं, तो जितना वो है उतना ये है। अब हम इस तरह से कटोरी के जैसा बनाएंगे, फिर थोड़ा सा अंदर इस तरह से इसको अंदर रखेंगे, और जैसे कचौड़ी नहीं भरते हम लोग उस तरह से इसको दबा देंगे ऊपर से जिससे निकले ना, और इसको अच्छे से गोल कर देंगे। तो इसको अच्छे से गोल करना फ्रेंड, फटने ना पाए तो क्रैक भी ना हो। बहुत प्रेस करके नहीं करना है, इस तरह से देखिए तो इस तरह हम सारा गोली बना के रख लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको फ्रेंड। इसी तरह इसमें सब भरना है हमको और थोड़ा दबाते हुए गोल करना है। अगर आपका ये दो जो खोए वाला है ये अगर फट रहा है तो इसमें एक चम्मच दूध और मिला दीजिए तो एकदम अच्छा सा परफेक्ट बन जाएगा। देखिए बिल्कुल इसमें धारी नहीं है, और आप इसको इस तरह से, तो जब आप लें दो तो थोड़ा सा दबा लें उसको, ऐसे दबाते हुए घुलाएँ, और फिर ऐसे से करके थोड़ा सा ऐसे ले दबाएँ इसको, इसमें रख दें। उसके बाद जैसे कचौड़ी भरते हम लोग उस तरह से इसको कर दें, इसका मुंह बंद कर दें, थोड़ा दबाते हुए हल्का गोल सा बना लेंगे इसी तरह। धीरे धीरे देखेंगे, चेक करना है। तो इसको लो टू मीडियम हम कर रहे हैं फ्लेम, तो ऊपर आ गया है तो ठीक है, क्रैक नहीं हुआ। तो जब हम डालें फ्रेंड तो तुरंत हमको चलाना नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए अच्छे से बुलबुला इसमें आ रहा है, अब एक एक करके डालेंगे। तो इस तरह से हमने मीडियम पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्लो में भी बहुत ज़्यादा तेल पी जाएगा, और बहुत ज़्यादा तेज में भी क्या होगा अंदर से कच्चा हो जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड। धीरे धीरे इसको पकने दें, तो एक और डाल देते हैं। तेल हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। तो इसको हिलाएंगे तो पकड़ के हिलाएंगे, और इसको हम बहुत वैसे नहीं करेंगे इस तरह से। तो हमारा ये मीडियम के से थोड़ा कम है तेल, तो आपका भी इतना ही होना चाहिए फ्रेंड। एक साथ ज़्यादा अगर आप फ्लेम कर देंगे तो कच्चा रह जाएगा अंदर से, तो इसको आराम से पकने देंगे। जब गुलाब जामुन बनाना है तो इसी टाइम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चूँकि काला जामुन बनाना है तो इसको हम और डार्क करेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो अगर आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं इसी टाइम पे। तो देखिए फ्रेंड, आप जब भी इसको फ्राई करिएगा तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि तेल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देखिए बड़े बड़े हैं और तेल थोड़ा कम था, उसके बाद हमने और डाला। और तेल कम होने से क्या हो जाता है, चपटे हो जाते हैं, तो आप पहले से तेल ज़्यादा रखिएगा, मतलब जो भी घी है तेल है, तो ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए घर में लोग कम डाल देते हैं। लेकिन अगर अच्छे रसगुल्ले चाहिए आपको, गुलाब जामुन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल जरूर डालिएगा फ्रेंड। और इसको कभी आपको तेज़ करना है थोड़ा सा, कभी आपको धीमा करना है, तो जैसे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा धीमा हो गया है
तो फिर थोड़ा सा तेज़ करेंगे और फिर इसको बराबर से अच्छे से कलर मिलाना है इसको हमको, थोड़ा मतलब काला तो नहीं कहेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा डार्क कलर। तो आप इसी तरह ज़रूर बनाइए फ्रेंड, बनाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली में फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे मैं जो भी रेसिपी हो आप तक जल्दी ही पहुँचे फ्रेंड। तो इसी तरह देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो देखिए एकदम बराबर से उसको अभी हमने तेज़ किया है क्योंकि अभी पक चुका है, शुरू में हमने पहले तेज़ किया फिर थोड़ा धीमा किया, जब अच्छे से ठीक हो गया थोड़ा पक गया था तब ने फिर इसको धीमा कर दिया, और फिर अब जब ये तैयार है तो बहुत ज़्यादा धीमा हम नहीं रखेंगे, हमने इसको थोड़ा मीडियम से थोड़ा ऊपर किया है क्योंकि अब इसको हमको निकालना है और लाल करके निकाल देना है। तो आप लाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा आपका गुलाब जाम, ये काला जाम। तो आप देख रहे हैं इसका कलर डार्क हो रहा है धीरे धीरे, तो हमको एकदम डार्क करना है, तो जो दो इसका कलर बिल्कुल बदल गया है अब, तो इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, ये परफेक्ट है। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं, और हमने चाशनी को भी थोड़ा गर्म किया था तो अब इसको निकाल के हम उसी में देंगे फ्रेंड और उसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो बिल्कुल ऐसे ही कलर होना चाहिए फ्रेंड। सब निकाल लें हम, थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि इसमें घी होता है बहुत, तो बस ऐसे निकाल लेंगे और अब इसको हम डाल देंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारी चाशनी गर्म है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं चाहिए, बस गर्म होना चाहिए। तो हम डाल देते हैं एक एक करके, तो चिपचिपी हमारी चाशनी है, ज़्यादा वैसी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये अच्छे से चाशनी नहीं पी पाएगी, तो इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर दें और बाकी का भी हम तल लेते हैं। तब तक जो दोबारा हमने फ्राई किया ये भी डाल देते हैं, अब कम से कम एक घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे इसको अच्छे से जो है इसमें चाशनी में डूब जाएगा ये, तो थोड़ा गर्म में ही हमने डाला हल्का, तो बस इसको ढक के रख देते हैं और इसको चला लेते हैं बराबर। आधा घंटा हुआ अभी, एक घंटा भी नहीं हुआ फ्रेंड, और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है फूल के। तो अगर आपका चाशनी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। और देखिए जो काला जामुन है काफ़ी बड़ा साइज में हो गया है, और अच्छे से हमारा डो भी बना था इसलिए बहुत ही परफेक्ट हुआ है। तो हम इसको निकाल के अब दिखा देते हैं आपको डेकोरेट करके। तो देखिए कितना जोशीला है, देखिए बहुत इसमें भरा हुआ है, तो इसको हम निकाल के इसमें रख देते हैं, हमें इसको डेकोरेट करना है फिर। देखिए कितना भरा हुआ, तो आप भी इसको बना सकते हैं फ्रेंड। और अगर आप इसको इसका बिजनेस भी करना चाहें, मतलब से आप दुकान खोलना चाहें अपनी इस तरह से शॉप मिठाई वाली, तो आप खोल सकते हैं और एकदम परफेक्ट आपका, देखिए कितना बढ़िया घर पे बना सकते हैं। और आप अच्छी दुकान से लेंगे तो कम से कम 25 रुपये का एक काला जाम मिलता है। तो अब आज के बाद से मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सीखा होगा, और आज के बाद से आप अपने ही घर में इसको बनाएंगे फ्रेंड और बाहर से नहीं लाएंगे। तो कितना परफेक्ट, कितना बादाम से इसको सजा देते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो अंदर तो बादाम वगैरह हमने डाला है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और हमारे पास चांदी वर्क नहीं है, अगर आपके पास चांदी वर्क हो तो आप लगा सकते हैं इसमें, तो इस वक्त लॉकडाउन में हम ले नहीं पाए हैं अभी। तो इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो बस इसी तरह इसको हमने सजा लिया। एक हम आपको काट के दिखा देते हैं कि इसका स्पंज कितना अच्छा है और कितना बढ़िया है ये, कितना कितना सॉफ्ट। तो इसको हम काट के दिखा देते हैं आपको,
इतना ज़्यादा है कि ये जैसे दबा रहे हैं वैसे सारा का सारा इसमें निकल रहा है। तो फिर देखिए कितना खूबसूरत है ये और कितना अच्छे से भरा हुआ, कितना ज़्यादा जूस भरा इसके, मतलब इसका चाशनी भरा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी, घर में जल्दी से जल्दी बनना। और कितना अच्छे से हमने, कितने कम टाइम पे हमने इसको बनाया फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी बन जाता है, हमने मिक्सी का प्रयोग किया था तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से घर में बन जाता है। और बिना टाइम के, आपके पास टाइम कम है तो आप जल्दी से इसको मिक्सी में इस तरह करके और झटपट, कम से कम आधे घंटे हमारा सब कुछ तैयार हो गया था, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा फ्रेंड। और आधा घंटा हमको इसको जो है चाशनी होने डाला और ये बहुत ही अच्छा से बन गया। कितना झटपट हमने काला जामुन बना लिया अपने घर में। तो कहीं ये लग रहा है कि हम घर में बनाए हैं, ये तो लग रहा है कि कहीं अच्छे से होटल से हम ले आए हैं, हलवाई ने बनाया होगा। तो फ्रेंड इसको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप घर में बना सकते हैं। एक दो बार करीब आपका थोड़ा सा ख़राब भी होगा, कोई बात नहीं, दोबारा बनाइए। तो कई बार बनाएंगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा। तो आप बनाइए, बार बार बनाइए और इसी तरह बनाइए जैसे हमने बताया था, बिल्कुल जो जो हमने बताया कि कढ़ाई मोटी होनी चाहिए फ्रेंड। आप जब इसको फ्राई करते हैं तो कढ़ाई अगर पतली होगी या नॉन स्टिक वाली होगी तो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, वो जल्दी जल जाएगा आपका काला जामुन। तो मोटे पेले का होना चाहिए कढ़ाई। और बहुत सारी चीज़ें हमें बताइए, तो आप सबका ध्यान रखिएगा, फॉलो करिएगा। तो जो भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं सारे फॉलो करिए और इसी तरह बनाइए काला जामुन अपने घर में। और बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। और जैसे जो भी हमारी रेसिपी आपसे जल्दी पहुँचे और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो जब अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।